अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं किरण रहमान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है वो है फेस मास्क के ऊपर, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे फेस मास्क, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा है सन टैन के लिए, हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। तो जिस तरह का मौसम चल रहा है, स्किन को नॉर्मल करने के लिए, स्किन रेड पड़ रही है उसके लिए बहुत ही बेस्ट मास्क है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर अप्लाई करना है। गर्मी की वजह से जब हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो हमारी स्किन से जो स्किन का मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये स्किन को हाइड्रेट करने के लिए बहुत ही बेस्ट मास्क है, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर अप्लाई करना है। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और इस मास्क को रेडी करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये मास्क क्या है, तो ये चिया सीड मास्क है, ठीक है। जिस तरह टिकटॉक पे वायरल हुआ था वो मास्क, सेम वही मास्क है जो कि हम घर पे रेडी करेंगे, जो हमारी स्किन को तरोताज़ा करेगा, ग्लो भी हमारी स्किन पे लाएगा और वाइट भी करेगा। तो बहुत ही अच्छा मास्क है। जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और इस रेमेडी को तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 4 टेबलस्पून मैंने दूध लिया है, फ्रेश दूध, और इसके अलावा 1 चम्मच मैंने लिया है चिया सीड, जिसे हम दुख मलंगा बोलते हैं, और 1 चम्मच मैंने लिया है एलोवेरा जेल, जो है फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है। उसके बाद 2 स्लाइस मैंने कोकम्बर की लिए हैं, छिलका समेत, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, तो चिया सीड जो है वो दूध के अंदर डालकर इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है। जब लगे कि ये इसके अंदर अच्छे से दूध जज़ब हो चुका है, ठीक है, तो हमने ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब हमने चिया सीड जो है वो दूध के अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने 1/2 घंटे के लिए इसको रख देना है फ्रिज के अंदर, ठीक है। तो जब हमें लगे कि जो चिया सीड है वो दूध के अंदर अच्छे से जज़ब हो गया है, तो हमने फिर दोनों चीज़ों को ऐड करके ग्राइंड कर लेना है। तो ये जो चिया सीड है वो दूध के अंदर अच्छे से जज़ब हो गया है, ठीक है। उसने अपने अंदर सारा दूध जो है वो जज़ब कर लिया है, ये देखें इस तरीके से इसकी शक्ल हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को हमने एक ग्राइंडर के अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद हमने कोकम्बर इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसके बाद हम एलोवेरा जेल इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और मास्क हमारा रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा फेस मास्क रेडी हो गया है, ठीक है। ये बिल्कुल जेली नुमा है, ठीक है। इसको मैं अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अपने हाथ पर अप्लाई किया है। आप इसको गाढ़ा भी लगा सकते हैं, लाइट भी लगा सकते हैं, ये देखें। और इसको अगर ये भी नहीं है कि ये फेस से गिर जाएगा, फ्लफी सा है, मास्क रेडी हो गया है। उम्मीद है व्यूवर्स कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी और यूजफुल लगी होगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।